गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोजाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों अब इस इंटरेस्टिंग सी कहानी को शुरू करते हैं। मैं सोनम, आज भी याद है मुझे उस दिन जब कॉलेज के पहला दिन ही रवि से मेरी बात बात पे बहस हो गई और बहस इतना बढ़ गई कि हम दोनों दूसरे दिन से एक दूसरे का शकल तक ना देखना चाहते। खैर इसके बाद मैं हमेशा रवि से चिढ़ती और रवि भी मुझसे। कुछ भी करके हम दोनों एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी की नज़र से देखते। एक दो बार मेरा और रवि का और भी लड़ाई हो गया। पता नहीं ऐसा क्या था, मैं और रवि हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते। लेकिन बात बिल्कुल बदल गई जब हम गए थे कॉलेज के पिकनिक पे। आज भी याद है वो हसीन मुलाकात। हुआ ही कुछ यूँ था कि याद कैसे ना रहे। मैं और रवि यूँ तो उस दिन भी बात नहीं कर रहे थे हमेशा की तरह। हम कॉलेज के पिकनिक पे जब गए थे और पहाड़ों पे चढ़ रहे थे तभी अचानक से मैं फिसली तो वहाँ पे कोई बचाने नहीं आया। बचाने आया था तो एक शख्स जो मेरा दुश्मन था, रवि। फिर मैंने उसे थैंक्स कहा और पहली बार मैं उसके हम मुझे एहसास हुआ कि ये शायद इतना भी बुरा नहीं है। मैंने उसे थैंक यू कहा तो उसने कहा कि संभाल कर। पर पता नहीं उस दिन क्या था, मैं उसके तरफ बस खींची चली गई। उसके बाद मैं उससे कोशिश तो करती बात करने का लेकिन वो मुझसे बात नहीं करता। शायद हम दोनों में इतनी दुश्मनी ही हो गई थी इसी वजह से वो बात नहीं करना चाहता। लेकिन कॉलेज के कैंपस में उस शाम जब सब एक साथ बैठे हुए थे, मैं रवि के बगल में एकदम बैठी हुई थी और अचानक से रवि मुझे कहा कि लो तुम भी खाओ ना, और मुझे जो पकोड़े सबके लिए बने थे खास मुझे ला कर दिया। तब मुझे भी एहसास हो गया कि शायद उसके दिल में भी कुछ है। पता नहीं ये फीलिंग शायद सिर्फ मेरे अंदर ही थी, रवि के अंदर ना थी। वो अब भी शायद मुझे बस दोस्त या फिर न जाने कोई ना समझ रहा था। लेकिन मैं ही उस दिन रवि की तरफ खींची चली आई। उस दिन के बाद भी ये सिलसिला बंद होने वाला क्या था। मैं हर मौके पे रवि की बस तलाश करती कि एक दफ़ा उससे बात कर सकूं, लेकिन अब भी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन उस दिन जब रवि उस मुसीबत की घड़ी पे मेरा दोबारा हेल्प करने आया, मैं समझ गई कि उसके दिल में भी ज़रूर मेरे लिए कुछ तो है। हुआ ही कुछ ऐसा था, मेरा एग्ज़ाम का लास्ट दिन मैं वहाँ पे खड़ी थी। मेरा स्कूटी ख़राब हो गया था और रवि ही आया था। उसने कहा अरे तुम यहाँ पे। जब रवि ने मेरी तरफ देखा उसने कहा एग्ज़ाम छूट रहे हैं जल्दी चलो। तुरंत मुझे एग्ज़ाम सेंटर ले आया। सच कहूँ तो अगर उस दिन रवि ना होता तो मेरी एग्ज़ाम छूट जाती, मेरा पूरा मेहनत पे पानी फिर जाता। इकलौता रवि ही उस दिन दोबारा मेरी मदद किया था। उस दिन के बाद तो मैंने ठान ही लिया था कि कुछ भी हो जाए रवि से दोस्ती कर ही के रहूँगी। आखिर इतना अच्छा इंसान था रवि। मैंने भी माफ़ी मांग ली और फिर किस तरह हम दोस्त बन गए बात रोजाना पता ही नहीं चला। उस दिन के बाद भी हर दिन जब भी मैं रवि से बात करने जाती नॉर्मल ही वो बात करता, लेकिन मैं ही उसकी तरफ खींचे आ रही थी। एक दिन तो मुझे आज भी याद है, जिस दिन मैंने रवि से उसकी नंबर मांगी तो उसने तुरंत बोल दिया क्यों। मैं तो मानो डर ही गई। मैंने भी कहा अरे नंबर ही तो है यार, इतना डर रहे हो। तो उसने कहा मैं डरता नहीं हूँ, तुम डरती हो। लेकिन फाइनली मेरी और रवि की उस दिन बातें शुरू हो गई। आज भी याद है कि किस तरह मैं दोस्त से हम बेस्ट फ्रेंड बन गए। मुझे तो रवि से उसी दिन प्यार हो गया था जिस दिन कॉलेज ट्रिप में उसने मेरी मदद की थी, लेकिन रवि को शायद नहीं हुआ था। लेकिन उस दिन मुझे अब भी याद आती है जिस दिन मैंने रवि से कहा कि यार अब के बाद क्या हम दोबारा कभी ना मिलेंगे, तो रवि ने कह दिया ऐसे कैसे नहीं मिलेंगे,
मुझे पता है तुम मुझसे पसंद करती हो। रवि के मुंह से ये बात सुन के मैं भी शर्मा गई। मैंने कहा नहीं तो, उसने भी कह दिया सोनम झूठ मत बोलो, तुम्हारे कॉपी जब मैंने लिख या था उस कॉपी में साफ लिखा हुआ था। तुमने ही खुद लिखा था। मैं भी रवि के सामने पकड़ा गई, लेकिन अच्छा हुआ कि पकड़ाई, शायद ये बात मैं कभी कह ही ना पाती रवि से। उसके बाद और क्या, हम दोनों का प्यार का रिश्ता चल पड़ा। भले ही हम कॉलेज में अलग हो गए थे, लेकिन रोजाना फोन पे बात होती। एक दिन जब मैं और रवि मिलने गए थे पार्क में, एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे, पता नहीं किसको नज़र लग गई, आकर मेरे घर पे बता दी। घर पे जब पता चला ये बात, तो मेरे पिता के गुस्सा का ठिकाना ना था। तो मैंने भी जिद किया, कुछ भी हो मैं रवि से ही शादी करूँगी। तो घर वालों ने भी कह दिया कि हम भी देखते हैं कैसे करोगे। मेरे पिता को रवि बिल्कुल पसंद नहीं था। इसका रीज़न भी बस एक था कि रवि के पास उतने पैसे ना थे। रवि एक गरीब परिवार से आता था और मैं आती थी एक हाई क्लास परिवार से, और सिर्फ एक यही वजह था कि मेरे घर वालों को रवि पसंद नहीं था। फिर उसके बाद जब मैंने भी कह दिया कि शादी करूँगी तो रवि से ही, तो मेरे घर वालों ने भी ठान लिया कि कुछ भी करके रवि से शादी तो नहीं होने वाली। उसके बाद जब घर वालों ने कहा दोनों में से एक को चुनो और पिता की तबीयत खराब हुई, तो बिना कोई चुप रहे मैं रवि को छोड़ दी और घर वालों की मर्जी से शादी कर ली। लेकिन रवि अब भी बस एक ही बात आता है, वापस आ गया हो ना तुम। रवि के साथ गुजारे हर वक्त मुझे याद आता है। बस अब मैं उससे जुदा भले ही हूँ, लेकिन मिलने को आज भी बड़ा मन करता है। अभी 2 दिन पहले ये सारी बात ताज़ा होगी, जब मैंने रवि को देखा, वही चेहरा, वो मेरे तरफ देखते रह गया। शायद मैं समझ गई थी कि उसके दिल में भी मेरे लिए प्यार है, लेकिन इस प्यार का क्या ही फासला, जब मैं उसके और हो ही नहीं सकती, इसलिए मैं उससे दूर चली गई। लेकिन याद तो रवि की आज भी आती है। ये बात आप लोगों से शेयर की ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि मैं रवि से कितना प्यार करती हूँ। और ना जाने कितने ही लोग होते हैं जो किसी से दिल लगा बैठते हैं, लेकिन घर वालों की रजामंदी ना होने के कारण एक दूसरे से साथ नहीं रह पाते। ये कहानी अगर आपकी ज़िंदगी में भी कभी ना कभी घटी हो तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखना। अभी फ़िलहाल इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा। बस एक बात है, जिसे प्यार करो, कोशिश करो उसे साथ रहने की। अगर उससे जुदा हो गए तो सबसे ज़्यादा दिल आप ही का दुखेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो अपने प्यार के नाम एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेशक चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। टिल देन मैं मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।